डियर स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हेज़ड्स ऑफ ऑकुपेशनल सेफ्टी हेल्थ जनरल एंड स्पैसीफिकोपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के हवाले से जो हैज़ड्स हैं हम उसको देखना है और वो हैज़र जो जनरली भी हैं और स्पेसिफिक भी हैं उन दोनों को देखना है फॉर एग्ज़ाम्पल एल्गोनॉमिकस क्या हैं या इसके अलावा मेस्कुलोस्कल डिसऑर्डर्स क्या है एंड कमुलेटिव ट्रामा डिसऑर्डर्स क्या है इनको हम लोग वन वे वन देखते हैं डिफाइन मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ फिजिकल इन वर्क प्लेस रिक्वायर स्टडी ऑफ द वेज इन विच पीपल एंड टेक्नोलॉजी इंटरैक्ट इसको मैं दोबारा देखता हूं आप लोगों के लिए मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल स्ट्रेस को हमने कम से कम करना है क्यों करना है ताकि वर्क प्लेस के अंदर हम लोग ये देख सकें कि जो इम्प्लॉज़ काम कर रहे हैं वो मैनुअली काम कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी की मदद से काम कर रहे हैं उनका स्ट्रेस कम से कम होना चाहिए इसको हम लोग एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स डिफाइन फर्दर इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर वर्कर्स इसका ऑब्जेक्टिव है हाई मोरल थ्रू आउट द वर्क प्लेस ये इनके ऑब्जेक्टिव हैं इम्प्रूव क्वालिटी ये तीन चीज़ें ये स्टूडेंट्स जो आपके लिए हमने लिखी हैं इन तीनों का एक मकसद है और मकसद वो ये है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लाई एम्प्लाईज़ को इम्प्रूवड हेल्थ सेफ्टी इम्प्रूवड हेल्थ क्वालिटी इम्प्रूवड हेल्थ स्टैंडर्ड्स देना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आर्गनाइजेशन के इम्प्लाई का मोरल हाई होगा या उसका मोरल हाई होगा तो उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क विल बी इम्प्रूवड इम्प्रूवड प्रोडक्टिविटी हमें मालूम है कि इम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस करने के लिए उसका हाई मोद होना लाजम है हाई कमिटमेंट होना लाजम है जॉब सेटिसफेक्शन होना इम्पोर्टेंट है लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों का इम्पेक्ट होगा इम्प्रूवड कम्पेटिटिवनेस पे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू कम्पेट प्रोडक्ट्स वाई अवर इंप्लाइज आर मोर कमिटेड टू वर्ड अवर आर्गेइजेशम्प्लाईज आर मोर लाइल टू अवर ऑर्गेनाइजेश इन चीज़ों का बेनीफिट ऑर्गेनाइजेश को मिलेगा फ्यूअर वर्क प्लेस इंजरीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेश में इंजरीज कम होंथ के इशूज कम हों तो आपको इम्प्लाइज पर इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करना पड़ेगा जब इंडिविजुअल फोकस करेंगे तो ऑर्गेनाइजेश के रिजल्ट बेटर होंगे ह्यूमन फैक्टर्स एंड एल्गोनॉमिक इन दोनों का बहुत गहरा तलक है वर्क स्ट्रेस इफ सबऑर्डिनेट इज डूइंग वेल इमिजिएट बॉस इज गिविंग हिम नॉन फाइनैशियल इंसेंटिव वेल डन यू आर डूंग वेल तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा ह्यूमन फैक्टर्स का एल्गोनिक फैक्टर के साथ पॉजिटिव को रिलेशन होगा कि आपका जो पॉजिटिव फैक्टर है एक अच्छा वर्कअप अच्छा अच्छा करने का उससे ऑटोमेटिकली वर्क स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा ह्यूमन फैक्टर इज अ साइंस

इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनाइजेशंस क्या एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे जॉब स्ट्रेस के वाकयात बहुत कम हैं फैक्टर्स एसोसिएटेड विद फिजिकल स्ट्रेस एट वेरिएबल्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस एक्सपीरियंस ऑन द जॉब आर एज़ फॉलोस एज़ फॉलोस नंबर 1 सिटिंग वर्सेस स्टैंडिंग आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इफ आई एम सिटिंग माइट पॉसिबल माय परफॉर्मेंस ऑफ वर्क में भी इनक्रेज वाई आप अगर खड़े होके काम कर रहे हैं तो चांसेज ऑफ ट्रायरनेस आर ग्रेटर एज कंपेयर टू दिटिंग पीपल आप लोग खड़े रह के भी काम करें बैठे भी वॉक भी करें मूव भी करें जैसे पॉस्चर को मूव करें इससे आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी स्टेशनरी वर्स इज मूवेबल मोबाइल स्टेशनरी साकन मूवेबल मूव कर रहे हैं इन दोनों से परफॉर्मेंस बेटर होगी लार्ज डिमांड फॉर स्ट्रेंथ पावर वर्स इज स्माल डिमांड फॉर स्ट्रेंथ पावर अब ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इफ़ योर इंप्लाईज और फिजिकली फिट उसका रिजल्ट बेटर होगा एज कम्पेयर टू द वीक एम्प्लॉयज इम्प्लॉज को फिजिकली फिट रखने के लिए हेल्थ सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए गुड हॉजिडेंट्रल वर्क एरिया वर्स इज बैड हॉजिट्रल वर्क एरिया मैंने आपको बताना है डी ए स्टूडेंट्स कि जो वर्क प्लेस एनवायरमेंट है वो एम्प्लाई के लिए हाईजेनिक होना चाहिए फ्री फ्रॉम जर्म्स होना चाहिए यू कैन फ्रीली मूव उसमें कर सकें तो इनके रिज़ल्ट बेटर होंगे गुड वर्टिकल वर्क एरियाज वर्सिस बैड वर्टिकल एरिया दोनों चीज़ें वो बयान कर रहे हैं हरिजेंट्रल और वर्टिकल जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट होगा तो आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे नॉन रेपिटेटिव मोशन वर्सेस रेपिटेटिव नॉन रेपिटेटिव जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही रेपिटेटिव जो रिपीट हो रही है अगर ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पर आप जाते हैं तो जो वर्किंग एन्वायरमेंट है वो ठीक नहीं है अगेन एंड अगेन आप देखते हैं वो ठीक नहीं है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर नहीं है इस चीज़ को रिमूव करने की जरूरत है एड्रेस करने की नीड है और इसको देखना ये चाहिए कि बेटर कैसे डवेल्प किया जा सकता है मोशन लो सरफेस वर्सेज हाई सरफेस कॉन्ट्रैक्ट नॉन नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर वर्सेस नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर नॉन नेगेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव एनवायरमेंटल फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इनसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रिफ्लेक्ट होता है अगर ये चीज़ें पॉजिटिवली हो रही हैं तो फिजिकल स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाएगा एर्गोनॉमिक्स एज पोलिटिकल फुटबॉल

अगर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स अफोर्ड कर सकती है ज़्यादा डिपार्टमेंट अफोर्ड कर सकती है अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप कर सकती है अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप कर सकती है लेकिन एज़ कंपेयर टू स्मॉल आर्गेनाइजेशन ये चीज़ें बेहतर तरह से लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट हो सकती हैं लेकिन पब्लिक सेक्टर आर्गनाइजेशन में रिजल्ट इनसे मज़ीद बेटर हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर यूनिफाइड पॉलिसी है जो कि मिनिस्ट्रीज़ के अंडर लोग काम कर रहे हैं और उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट हैं वो बेहतर तरीके से अचीव हो सकते हैं